हाँ तो कैसे हैं दोस्तों, आ चुके फिर से नया वीडियो लेके नवरात्रि के पावन महीने में, जो कि आज का कलश यात्रा का वीडियो है। हमारे गांव में कलश यात्रा निकलता है पहले दिन नवरात्रि के, तो आपको पूरा वीडियो हम बनाए दिखाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे जय माता दी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। नवचेतना दुर्गा पूजा समिति हर साल की भांति इस साल भी तमाम ग्रामवासियों का हार्दिक अभिनंदन करती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कलश यात्रा के लिए लोग निकल चुके हैं, जो कि यहाँ से हम लोग के करीब 4-5 किलोमीटर दूर बूढ़े गंडक में जाता है। वहाँ से लोग जल लेके आएंगे कलश में, उसके बाद उसको पंडाल में रखा जाता है। अब पूरा दिखाएंगे वीडियो, बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लास्ट का क्लिप है, तो उसको जरूर देखिए। अरे देख रहे हैं, हम लोग पहुंच गए हैं बूढ़ी गंडक के पास में। यहाँ पे लोग फोन मेरा वाटर प्रूफ था, इसको लोग पानी में डुबा डुबा चेक कर रहे हैं फोन खराब ना हो। देख रहे हैं बार बार इसको लोग पानी में डुबा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ देर में पूजा होगा, उसके बाद यहाँ पे कलसा में जल भरा जाएगा, उसको लेके पंडाल में ले जाया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूजा शुरू हो चुका है। तो एक बार आप लोग भी कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो। यहाँ पे हल्का हल्का बारिश हो रहा है, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे घूमने का जगह है। यहाँ पे कलश यात्रा में आए, यहाँ पे पूजा होगा, उसके बाद पूजा भोजी होगा, जितने भी यहाँ पे है पूजा शुरू होने जा रहा है। तो पूजन का विधि शुरू हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पे कलश में जल भरा जा रहा है, इसके बाद पूजा होगा, उसके बाद जितने भी कन्याएं हैं वो लोग अपने कलश में जल भर के ले जाएंगे मंडप में। तो यहाँ पे पूजा हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बार कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। आप देख सकते हैं मेरे को दिया गया है नदी में उसको प्रवाह करने के लिए, लेकिन उसके नीचे उसके घास जो है हरा होने की वजह से डूब जा रहा है रखने पे ही। देख रहे हैं उसको ऐसा ही रख दिया जाएगा, छोड़ दे चल। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कन्याओं को, यहाँ पे सब कलश यात्रा में आए हुए हैं। यहाँ पे पूजा समाप्त हो चुका है, आरती हो रहे हैं। आप लोग को कह रहे हैं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें, शेयर भी करें, और प्रेम से बोलिए शेर वाली मैया की जय। तो पूजा समाप्ति के बाद सब जितने दिखे लड़के लोग कलश भर रहे हैं, देख सकते हैं काफी भीड़ भर है, आपको दिखाते हैं अभी, देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जिसकी वजह से काफी शोर शराबा है, जिसकी वजह से आपको आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं दे रही है, देख सकते हैं। आपको वीडियो बहुत सारे लोग दिखाई देंगे, अभी आगे देखिए जब लाइन में चलेंगे लोग तो करीब 600-700 लोग कलश यात्रा में आएंगे। देख सकते हैं हम लोग जल भर लिए हैं, जल भर के लोग जाएगा पूजा पंडाल में, उसके बाद वहाँ पे पूजा होगा। और इसको देखिए, और जय माता दी दोस्तों, पूरा बीच में आई देखिए। और ये हमारे मुकेश जी है जो गुस्सा आ गए कि हम वीडियो में नहीं आए हैं, तो ये कुछ कहेंगे हमारे चैनल के लिए, बोलिए मुकेश जी। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, कैसे मेरा पार्टनर के है। और देखिए ये साला खैनी खा रहा है, लेकिन गंदा बात है,
लेकिन इसको इसलिए एक छाटी मारते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग दिखाई दे रहा होगा, बारिश का मौसम बना हुआ है, बारिश हल्का फुल्का हो रहा है, देख सकते हैं करीब यहाँ पे हजारों के तादाद में लोग हैं यहाँ पे, और भी दूसरे पंडाल से लोग आए हुए हैं कलश यात्रा के लिए। हम लोग का कलश भर चुका है तो हम लोग पंडाल की ओर जा रहे हैं, पूजा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया तो, और वीडियो को शेयर करें अच्छा लगे तो। और ये हमारे गांव का कलश यात्रा कैसा होता है आप लोगों ने देखा, और यहां पे लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं मंडप के पास में। मंडप अभी पूरा तैयार हुआ नहीं है जो कि सप्तमी तक होगा तैयार, और यहां पे कलश यात्रा के बाद जितने भी लड़कियाँ थे उन लोगों को फलहारी में फलहारी कराया जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग साबुरदाना फलहारी कराया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।